आपके लिए मोनिका दी की ना आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है, फेवरेट? यहीं पर बोलो भैया, एक क्वेश्चन आपसे, वैसे मैंने सभी से पूछा आज तो आपसे भी, आपको अपनी नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग हिंदुस्तान। तो आपकी ज्योति आज आपको सुबह के समय नहीं शाम के समय मिल रही है और अभी बज रहा है 5। तो आज हमारा था दिवाली मेला, बट बारिश बहुत हो रही है और ठंडा भी लग सकता है, और आज है हैप्पी धनतेरस। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो अभी तो फिलहाल मैं घी बना रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत हम धनतेरस की शॉपिंग करेंगे और शायद हम घर भी जा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि छुट्टी कंफर्म नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं बता सकती हूँ। और मैंने आपको पूछना भी भूल गया, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों के बढ़िया, मस्त और स्वस्थ। और हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत फटाफट ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरा ना 3-4 जगह मेरा दिमाग भटका हुआ है, क्योंकि कभी जान बुला रही, कभी इश्की बुला रही, कभी घी बोल रहा है मेरे को बना लो, कभी कुछ क्या करूँ। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, जो भी होगा आगे बने रहिए, तो मैं आपको बताती रहूँगी। और हाँ, बहुत ठंडा और मौसम ना सुबह से कंटिन्यू बारिश ही होने में लगी है। नींद का मौसम अच्छा है, बट काम के लिए मौसम बहुत बेकार है। तो मेरा घी बन चुका है, जान को बता देती हूँ। जान, घी बन गया, इतना ही तो बनेगा यार, कितना क्या भैंस पाल रखी क्या मैंने, है भैंस पाल रखी मैंने, हाँ इतना ही बना। ये इसके हमने घी खाएंगे एक हफ्ते के दूध के लिए, ठीक है ना। यदि अपनी स्माइल के साथ ला चुकी है शाम की चाय, हमको बुलाया था उन लोगों ने, सबको नहीं था ऐसा लग रहा होगा ना, कहीं भी चल देते हैं, तो ये हमें बुलाया था इसलिए हम आए, वरना हमारे जब मतलब मेन भैया ने बुलाया था, मोनिका दी ने नहीं बुलाया था हमें, पर बनाने वाली मोनिका दी है। मेरा थोड़ा कम नहीं था, कम है कम, बहुत ज्यादा है ना, अरे अब दो चीज भी पीने हैं यार। तो हमने चाय वाय पी ली और गंदगी भी मचा दी है, इश्की ने मचाई, मैंने तो नहीं मचाई और उसके पापा ने मचाई, तो चाय के लिए थैंक यू सो मच भैया। एक क्वेश्चन आपके लिए, मोनिका दी की ना आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है, फेवरेट डिश जो आप हमेशा खाना चाहोगे उनके हाथों? हाँ अब मार मत बोल देना, मतलब खाना कह रही हूँ, खाना क्या खाना चाहोगे उनके हाथों, खाना सिडूना। और मोनिका दी आप भैया के हाथ का चिकन, प्लीज यार चिकन तो मत ही बोलो, भैया जब चिकन बनाते मोनिका दी बोली 2-3 दिन तक रह जाता है। और जान आपको मेरे हाथ का क्या अच्छा लगता है, आपको मेरे हाथ का क्या अच्छा लगता है? पटाखे पटाखे नहीं, और मेरे को जान के हाथ का अच्छा लगता है गिफ्ट भैया गिफ्ट, सही बात। अभी हम मार्केट भी जा रहे हैं, तो अगर आज ऐसा हो जाए जान मुझे कुछ दे दे, तो मैं क्या पता है हाथों से अपने हाथों से, इन आपके हाथ भी इतने कोमल कोमल है, इन्हीं हाथों से आप मुझे गिफ्ट दे दोगे तो मेरा दिन बन जाएगा। सब्जी दूंगा, बेइज्जती तो मेरी होती है। तो मोनिका दी के बाद हम सीधे जा रहे हैं जान की किसी फ्रेंड के वहाँ, फिर वहाँ पर से जाएंगे हम मार्केट। पर ना प्रॉब्लम ये हो रही है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की, अगर ये तेज हो गई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी बीमार हो सकती है, हम सीधे आएंगे फिर घर, तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, क्योंकि और आज हम आए हैं स्कूटी में, क्योंकि हमें जल्दी से घर जाना है, दिया विया भी जलाना है, तो इसीलिए ये देखिए मार्केट पूरी सजी हुई है। अब पता चल रहा है ना दिवाली आ गई है, दिवाली। सोचा था
सोचा तो था कि कुछ बर्तन वर्तन लेंगे, पर जिस तरीके की यहाँ भीड़ दिख रही है ना, पता नहीं हमारा नंबर तो कल सुबह तक आएगा। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है, ये देखिए बर्तनों की दुकान में। तो घर आते ही जान काम में लग गए, जिससे पता चलता है मेरी जान कितने कामदार हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी जान कपड़ों के बीच में, और आते ही फुल मेहनत लग गई है इनकी थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने में, क्योंकि यार सबने लाइट देखी, सबने लाइट लगा ली, थोड़ा बहुत हमें भी लगानी चाहिए। देख के थोड़ा हमें भी अक्ल आ रही है कि लगा लेते हैं जल्दी से। तो जान अभी हो जाएगा है, हो जाएगा है, हो जाएगा। ओके मैं काम करती हूँ। ओके मेहनती इंसान को ना उजाले की जरूरत नहीं होती, उसे बस जरूरत होती है जज्बे की और अपनी मेहनत की, जो कि मेरी जान में बहुत है। और जान लगे फुल मेहनत के साथ, और थोड़ा बहुत मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुझे खाना भी जल्दी मिल जाए ना। वीडियो बनाने से अच्छा तुम खाना बना लो, आप ऐसा भी कहना चाह रहे होगे ना। खाना मिलेगा मिलेगा। तो अब मैं बाहर में भी दिए रख देती हूँ, ज़्यादा दिए तो नहीं जला रही, बस दो चार दिए जलाती हूँ, तो उसको रख देती हूँ। एक दिया मैं रख दूंगी दरवाजे पे, यहाँ पे है ना, बस। तो क्या कर रहे हो, मैं अभी दिखा रही थी उन लोगों अपने दोस्तों को, और आपने लाइट बंद कर दी। तो जाने देखिए कितने जल्दी काम कर दिया, लाइट लगा दी। मेरी जान की तो बात ही अनोखी है। सीख कबाब से मुझे बोरा भैया की याद आ रही, तो आपको मैं जादू दिखाती हूँ। जादू, ये देखिए बोरा भैया यहीं पर है। बोरा भैया एक क्वेश्चन आपसे, वैसे मैंने सभी से पूछा आज, तो आपसे भी, आपको अपनी मैडम के हाथ का सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है, और जो आप हमेशा चाहोगे वो मेरे बनाए? वो है वो, क्या जोर से बोलना हाँ, क्या बनाते हैं वो, चिकन, चिकन वो पकौड़ा, चिकन पकौड़ा। और वेज में, वेज में, वेज में आलू के गुटके, आलू के गुटके और रायता, विथ रायता, विथ रायता। रायता के तो आप उसके फेवरेट हो, उसका रायता तो फेवरेट ही है। इसकी भी आ गई, इसकी आप कुछ कहना चाहती हो, आपको आंटी के हाथ का क्या अच्छा लगता है? मैंने इसीलिए भी आज भैया से थोड़ा निशु की तारीफ करी, कल थोड़ी बुराई कर दी थी मैंने उसकी ना, थोड़ा पटाने के लिए करना पड़ता है ये सब चीज, नहीं तो मुझे मार डालेगी। चलो ये चीज तो अच्छी, हाँ एक आलू की गुटकी हो गए, और रायता हो गया, और चिकन पकौड़ा, ठीक है। और क्या चाहते हो आप, कि वो आपको कभी कुछ वाला खाना ना खिलाए? लौकी कद्दू ना खिलाए, वो तो खुद ही नहीं खाती, वो तो आपके घर में आती भी ना खिलाए, वो तो आपके घर में भी आता भी नहीं, बना के खिला दे जान के बोला, जैसे मूड खराब हो, मूड खराब हो, मैं खाना वैसे भी खाता नहीं, पसंद भी नहीं है। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और अपना कीमती समय देने के लिए, कोई नहीं जरूरत नहीं है लाइक के लिए। जानने से पहले ना मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, इन्हें बताया नहीं था, आपको मेरे हाथ का क्या अच्छा लगता है, इनने बोला था पानी, अब बता दो। चलो लास्ट बार में ब्लॉग की एंडिंग भी करने वाली, जल्दी बताओ है क्या मेरे हाथ का क्या अच्छा लगता है? हमारे हाथ का, हाँ सोच समझ के जवाब देना, आपको रहना इसी घर में है। आज कितने टाइम बाद मैंने जान को धमकी देके या प्यार करके जो भी है, आज मैंने उनको इतना टॉर्चर किया ना, आज वो देखना मेरी तारीफ करेंगे। मेरा जादू ही ऐसा है कि कोई भी मेरी तारीफ कर सकता है, देखना आप। तो स्टार्ट हो जाओ, क्या कुछ तारीफ करो, बोलो बताओ मेरे हाथ का सबसे अच्छा खाना क्या लगता है आपको? पास्ता। कुछ सोचो आप, बोरा भैया से सीखो, अनिल भैया से सीखो, कितनी तारीफ करते हो अपनी बीवियों के खाने की। पास्ता अच्छा बना दी तुम है, क्योंकि अभी आपको पास्ता ही चाहिए ना, इसीलिए आप पास्ता ही मांग रहे हो, कितने चालाक हो ना। पास्ता दे दो। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी जान की तारीफ के साथ, जो कि आज मेरा मन हो चुका है बहुत खुश, वो भी जो भी थी जबरदस्ती की तारीफ, जो भी वगैरह वगैरह मैंने टॉर्चर करके जो भी था, तारीफ तो तारीफ थी। तो
जान की तारीफ के साथ ही व्लॉग की एंडिंग भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आता है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना विथ योर प्यारी प्यारी फैमिली। और मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। वंस अगेन हैप्पी धनतेरस, बाय।